दोस्तों, सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर आपका स्वागत है। आप लोग को सेट नंबर 11 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन के बगल में आया हुआ है। कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। यदि इस शंकु का आयतन उस गोले के आयतन के बराबर है तो गोले की त्रिज्या निकालें। मतलब शंकु का गोला है कि वॉल्यूम और गोले का वॉल्यूम इक्वल है, तो हम भी दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर लेते हैं। तो हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर वॉल्यूम ऑफ आपका स्फीयर, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। इसका वॉल्यूम होता है आपका स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो आर वन क्यू कर लेते हैं इसको। पाई से पाई देखिए कैंसिल हो जा रहा है, वो 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ आर स्क्वायर का वैल्यू ऊपर दिया गया है, आर स्क्वायर त्रिज्या दिया हुआ है 12 × 12, हाइट दिया हुआ है कितना 6, और आपका आर क्यू हो जाएगा। यहाँ से आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो और कटेगा, यहाँ 4 से 4 से ये कट जाएगा, 4 × 12 तो 12 × 36 36 116, यानी आर का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आंसर आपका होगा। पहला नंबर क्वेश्चन आप देख लिए। एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो प्रकार के आपको दाल मिलाना है, मिला के आपको बेचना है। तो जो आपको कॉस्ट प्राइस खरीदता है दोनों प्रकार के दाल का, वो है एक 15 रुपया, दूसरा 20 रुपया है। तो और दोनों को अगर हम बेचेंगे, सॉरी दोनों को मिलाएंगे, तो मिलाने पर जो उसका कॉस्ट आएगा वो 16 रुपया 50 पैसा आएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि तो दोनों को कितना कितना मात्रा में लिया जाए, किस रेशियो में लिया जाए। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, जिसको हम लोग एलिगेशन मेथड बनाते हैं। तो दोनों का मात्रा अगर लेना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ से 15 रुपया, इधर लिख देंगे एलिगेशन यूज करेंगे तो इधर 20 और बीच में हो जाएगा 16 रुपया 50 पैसा, 16 रुपया 50 पैसा। हम लोग जानते हैं इसको इधर घटा के लिखते हैं और इसको इधर घटा के लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कितना लिख पाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे घटाने के बाद 20 रुपया में 16 रुपया 50 पैसा घटेगा तो बचेगा 3 रुपया 50 पैसा। यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा वो 1 रुपया 50 पैसा। रेशियो निकालेंगे, कट जाएगा, रेशियो हो जाएगा मेरा 7:3, 7:3, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा मेरा। इजी क्वेश्चन था, इसको एलिगेशन से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी तथा रहीम ने रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। अब रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए, रॉबर्ट कितना देता है 900, तो राम ने गाय कितने में ख़रीदा। तो राम ने गाय को मान लेते हैं कितना में ख़रीदा जी, तो 100 रुपया में ख़रीदा। कितना में ख़रीदा, 100 रुपया में। राम ने गाय को कितना में ख़रीद लिया, तो 100 रुपया में राम ने गाय को ख़रीद लिया। राम ने कितना परसेंट लाभ पर बेच दिया बताइए, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, लाभ पर बेचेगा तो 6/5। फिर रहीम लिया, रहीम कितना परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 25%। 25% मतलब 1/4, इसको बेचेंगे तो 5/4, इस तरह से इसका कितना रेट हो गया 900, ठीक है। कितना रेट हो गया 900, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, 2 बार में ये आ जाएगा, 3 बार में ये आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 300। अब यहाँ से x का अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो 3 × 2 = 600 हमारा रेट आएगा। आप देख सकते हैं 600 रुपया ऑप्शन नंबर 1 में 600 रुपया हमारा रेट आया, किसका, गाय का। किसको पड़ा कॉस्ट प्राइस, तो राम को, ठीक है। अगला,
ये क्वेश्चन जो है देखिएगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपया है, वह धन निकालिए। मतलब आपको अमाउंट निकालने के, सॉरी आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। इसको हम फार्मूला से भी बना सकते हैं और बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं। पहले फार्मूला पर बनाते हैं। फार्मूला इसका क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है कि आपका अंतर बराबर डिफरेंस बराबर, इसका जो फार्मूला होता है डी बराबर, उसको हम लोग लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है डी इक्वल टू डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। क्या होता है, पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस हमारा दिया हुआ है 4 इक्वल टू पी, हमको निकालना है आर स्क्वायर मेरा दिया हुआ है 4 का स्क्वायर 16 और 100 का स्क्वायर 100 × 100। अब इसको कटाएंगे, 4 से कट जाएगा और ये 25, पी का वैल्यू आ जाएगा मेरा 25/00, यही मेरा आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, हमारा आंसर हो जाएगा। इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका क्या है कि हमारा SI निकल जाएगा। SI कितना निकलेगा, 2 साल का 4% का 8%, 2 साल का 8%। और CI कितना हो जाएगा, तो 2 साल का 4+4 यानी 8.16%। ठीक है, 8. दोनों का अंतर कितना है, 0.16% इक्वल टू आपको दिया है कितना, 4। तो 100% निकाल लेना है, 100% इक्वल टू कितना, यही 100% इक्वल टू आ जाएगा आपका 2500। और ये 2500% जो होता है वही प्रिंसिपल होता है मेरा, 100% जो होता है प्रिंसिपल होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए इजी क्वेश्चन है, 100 संतरे को 350 रुपया में ख़रीदा गया। अब बताओ 100 संतरे को 350 रुपया में ख़रीदा जाएगा, तो 1 संतरे को कितना में खरीदेगा, 1 संतरा को, 1 ऑरेंज को खरीदेगा 3.50 रुपया में। सही है। अब क्या कहता है, 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचेगा, दर्जन मतलब 12, तो 12 को बेचेगा 48 में, तो 1 को कितना में सेल करेगा, 4 रुपया में। अब भाई फायदा कितना हो रहा है देख सकते हो, 1 को सेल करेगा तो 4 रुपया में, तो फायदा कितना हो रहा है, 0.5 का, मतलब आधा रुपये का। तो हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए जानते हैं, ये हो जाएगा फायदा गुना 100 बाई, फायदा गुना 100 बाई कितना, 3.50 रुपया, कितना 3.50 रुपया, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 7 का, लगभग लगभग आपका आ जाएगा आंसर 1497, लगभग लगभग आंसर आ जाएगा आपका 100/7%। देख लीजिए आंसर मिला के लगभग में कितना आ रहा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में दुगना हो जाएगा। तो दुगना हो जाएगा मतलब इसका SI का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। SI का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100। तो पी दुगना हो जाना मतलब अगर मेरा, तो SI कितना हो जाएगा, अगर PSI हो जाएगा तो पहले मेरा अमाउंट भी P था, और SIP होने का मतलब पूरा, पहले प्रिंसिपल P था, अब हो जाएगा टोटल 2P, दुगना हो जाएगा। R हमारा दिया हुआ 10, टाइम हमको निकालना है बाई 100। थोड़ा समझ लीजिएगा, पेन अच्छी तरह से चल नहीं रहा है, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, T इक्वल टू बनेगा 10 ईयर, आंसर हो जाएगा 10 ईयर। आप लोग समझिए, इजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है कि कौन सी धन राशि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है से एसआई है से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाता है, यानी 2 साल में। और साधारण ब्याज कहता है कि प्रत्येक साल सेम इक्वल में बढ़ेगा, इक्वल रेशियो में, जितना पैसा पहला साल बढ़ेगा उतना ही पैसा दूसरा साल बढ़ेगा, मतलब 5 से 7, यानी 2 साल में बढ़ के कितना गया, 2 साल में। अब देखिए कि 2 साल में बढ़ा कितना, तो 2 साल में बढ़ गया आपका 520 से 568, मतलब 48 रुपीज। मतलब 1 साल में कितना बढ़ा, 1 साल में 24। अब सोचो 1 साल में 24 बढ़ा, तो 5 साल में कितना बढ़ गया होगा, तो 5 ईयर में बढ़ जाएगा 24 × 25 = 120 रुपया, 120 रुपये बढ़ गया होगा। तो जो 5 साल में 520 रुपया जो आया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो 520 रुपया जो आया हुआ है वो बढ़ के आया हुआ है, अमाउंट आया हुआ है। तो हमारा जो 120 रुपये बढ़ के आया है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा 520 में से घटा देंगे तो 400 रुपया आएगा हमारा प्रिंसिपल, हमारा आंसर हो जाएगा 400 रुपया। समझ में आ। क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति 7 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो 1 काम को 8 दिन में तैयार कर देता है, लेकिन यदि इसी काम को 4 दिन में पूरा करे और 2 व्यक्ति और शामिल कर लिया तो कितना घंटा प्रतिदिन करेगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, MDH से, MDH मैन आवर डे, मैन आवर डे ऊपर रहेगा और वर्क नीचे होगा, ठीक है, बताया जा चुका है क्लास में। तो इसको देखिए कैसे बनेगा, 5 व्यक्ति है तो इसको लिखेंगे 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 घंटा करता है तो 7 घंटा गुना कितना दिन काम करता है तो 8 दिन, कितना काम करता है तो 1 दिन, इसी के इक्विवेलेंट में काम करेगा। तो कहता है यदि काम को 4 दिन में पूरा करना है, कितना दिन में, 4 दिन में, गुना 2 और व्यक्ति सम्मिलित हो, पहले कितना व्यक्ति करता था, 5 व्यक्ति, अब कितना करेगा, 7 व्यक्ति। तो कितना दिन में काम प्रतिदिन घंटा कितना करेगा, तो हम मान लेते हैं उसको एक्स, कितना मान लेते हैं एक्स, कितना काम करेगा उतना ही, कटने वाला कटा लीजिए, 4 × 2 = 8, ठीक है, यहाँ से 2 × 5 = 10, एक्स बराबर आ गया 10, 10 दिन में करेगा, 10 आवर में आंसर होगा, 10 आवर, ठीक है, 10 आवर, सॉरी ये आवर होगा इसका आंसर, आवर, ओके। क्वेश्चन है कि एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को 3, 4 और 12 दिन में कर सकता है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखिए, आपको जैसे लिखना है कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 पुरुष, पी से पुरुष, 1 पुरुष किसी काम को करता है तो कितना दिन में करता है, 3 दिन में, ठीक है। अगर इसी को 1 वोमेन करता है तो कितना दिन में करता है इसको, तो ये इसको करता है 1 वोमेन 4 डेज में, और इसी को अगर करता है 1 बॉय करता है तो कितना दिन में करता है, तो इसको करता है 12 डेज में। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया, इसको अब रखिए। आगे पूछ रहा है तो बताइए, एक स्त्री एक पुरुष की कितना लड़का सहायता करेगा, तो हम लोग निकालेंगे 1 पुरुष को 1 वोमेन को कितना, 1 बॉय हेल्प करेगा, तो उस काम को कितना 1/4 दिन में करना है पूरे काम को, तो इसके इक्विवेलेंट में कितना आएगा, तो सबको हमको बॉय में चेंज करना है तो बॉय को ले आइए, बॉय वाला टर्म को, तो 1b × 12, ठीक, इसको ले आइए, मैन आवर डे से ही बनेगा ये 1। तो अब इसको देखिए बॉय में लाए हैं, ये बॉय में है, ये मैन है, ये मैन और ये वोमेन, ये आपका जो ये मैन दिया हुआ है, ये वोमेन दिया हुआ है, ये बॉय, तो सबको बॉय में बदलेंगे, तो 1 बॉय यहाँ पर देखिए 3 जो है 3 के बराबर दिया हुआ है 12, तो यहाँ से कटाइएगा 12, यहाँ से कटाइएगा तो 4 आएगा और इससे कटाइएगा तो 3 आएगा। तो हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, कटाने के बाद तो इसकी जगह पर लिखेंगे कितना बॉय, ऊपर से देख लीजिए 3 = 4, तो यहाँ से लिखेंगे 4 बॉय 3 = 7 बॉय, तो हम लिखेंगे 7 बॉय
प्लस एक्स वाई बराबर 12 चौका 48 वाई, घटेगा तो एक्स के जगह पर आ जाएगा 41। आंसर हो जाएगा 41। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर, यानी व्यक्ति का जो स्पीड है दिया हुआ 5 किलोमीटर पर आवर और शांत धारा का स्पीड दिया हुआ 1 किलोमीटर पर आवर, तो एक बिंदु तक आने जाने में कितना समय लग रहा है? 75 मिनट। तो इसको बना लेते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे? तो डिस्टेंस बराबर, तो आपको टोटल टाइम कितना लग रहा है? टी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, आने जाने में तो टोटल टाइम लग रहा है 75 मिनट। 75 कर दीजिए, ठीक है, 75 बराबर। अब पहले डिस्टेंस को टाइम लग रहा था, धारा के साथ जाएगा तो ऐड हो जाएगा दोनों, पहले धारा के साथ जाएगा तो 6 हो जाएगा, 5 और 1 6, फिर इसी डिस्टेंस को धारा के विपरीत आएगा तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4, और ये 75 है तो 75 को आप क्या कर लीजिए, आवर में बदल लीजिए 75 मिनट को, इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे, 15 चौका 60, 15 5 75, ठीक है। इसको अब सोल्व कर लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, और यहाँ से आ जाएगा 6 दूना 12 2, और यहाँ 4 3, यहाँ से 5 आ जाएगा 5D, और यहाँ पर क्या आएगा 5 बाई 4, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल होगा, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? 3, तो हमारा डी का वैल्यू आ गया 3 किलोमीटर। डिस्टेंस आपसे पूछ क्या रहा है भाई, थोड़ा देख लिया जाए। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको गलत ऑप्शन दे दिया गया है, स्पीड ऑप्शन दे दिया गया, आंसर होगा 3 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर होगा आंसर, ठीक है, चेक कर लीजिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, तो एक की लंबाई 250 मीटर, तो दूसरे की लंबाई क्या होगा, और जबकि दोनों एक दूसरे को पार कर लेता है 18 सेकंड में, तो एक दूसरे को पार कर रहा है 18 सेकंड में और एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो क्रॉसिंग में लगा समय यूज करेंगे, क्रॉसिंग में लगा समय बराबर टाइम बराबर हो जाएगा दोनों के बीच का, दोनों के रेलगाड़ी का डिस्टेंस, तो रेलगाड़ी का डिस्टेंस तो हम लोग मान एक का दिया हुआ है 250 और दूसरा का हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, और एक दूसरे की ओर आएगा तो दोनों का जुटता है वेलोसिटी, तो 54 और 48 को ऐड करिए, 54 और 48 ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 102, कितना आ जाएगा 102, टाइम कितना लग रहा है 18 सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड में, ये किलोमीटर में, ये मीटर में, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं 5/18 कर लेते हैं, इसको हमको मिटाना होगा, इसको कर लेते हैं हम 5/18, तो ये भी आ जाएगा, अब ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर आ जाएगा 510 में 250 घटेगा तो बचेगा 260, इतना मीटर आएगा डिस्टेंस दूसरी रेलगाड़ी का, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी का डिस्टेंस आ गया इतना मीटर, हमारा आंसर हो जाएगा 260, हमारा आंसर जो हो जाएगा 260, ठीक। तो इस तरह से आप लोग रिस्पांस दीजिए, सही है, गलत है, क्या ठीक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, और चैनल को दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, यूट्यूब चैनल को, सेंटर ऑफ एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है, धन्यवाद, आप लोग का बहुत बहुत आभार।